किसी भी व्लॉग की शुरुआत अगर मैं ये जगह से नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता है मैं व्लॉग शूटिंग ही कर रहा हूँ। पिछले 5-6 दिनों से मुंबई में जो लेवल की बारिश हो रही है, इतनी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई है। हम लोग बचपन से देखते आए गणपति के सीज़न में मुंबई में बारिश होती है। अभी गणपति बप्पा बैठे हैं लेकिन गणपति के सीज़न में मुंबई में बारिश होती है लेकिन इतनी कभी नहीं होती। इस साल इतनी बारिश हो रही है कि घर से बाहर निकलना भी बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको टाइगर के पैनियर्स दिखाए थे, पैनियर्स अपने आ चुके हैं। पैनियर्स के साथ जो भी सेटअप करना है, बाहर निकलते समय उसे कैसे बैलेंस करना है, ट्रैफिक से कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चलेगी जब हम लोग राइड पे निकलेंगे। अभी माहौल ऐसा है ना, घर पे सब गणपति बैठे हैं। मेरे घर पे गणपति नहीं बैठता लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों के घर पे गणपति बैठे हैं। सब तामझाम वाली चीज़ें चालू है और ये तामझाम वाली चीज़ें हम लोग करते करते यहाँ वहाँ भागम भाग करते करते अपने काम पीछे छूट रहे हैं। एक काम मैंने इसी तामझाम में करने के लिए दिया था, वो अपना पैनियर का कलर चेंज करना। अभी पैनियर का जो मैंने कलर किया है, पैनियर टॉप बॉक्स का जो मैंने कलर किया है, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि मुझे उस पर बहुत सारे स्टिकर्स लगाए हैं, अपने चैनल के भी स्टिकर लगाने हैं, अपना खुद का लोगो भी लगाना है। उसके लिए एक बेस कलर होना बहुत ज़रूरी था जो कि वो सिल्वर कलर पे वो उठ के नहीं आ रहा था, जच के नहीं आ रहा था। आज के कामों में मेरा सबसे ज़रूरी काम था मुझे सुशांत के पास जाके पैनियर्स कलेक्ट करने जो कि कलर हो चुके हैं। उसके बाद मुझे स्टिकर वाले के पास जाना था, उसे स्टिकर की सारी ऑर्डर देनी थी, कौन से स्टिकर चाहिए, कौन से कहाँ पर लगाने हैं। लेकिन अभी पंगा ये हो रहा है, मैं बाइक लेके बाहर नहीं निकल पाऊँगा बिकॉज ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और मुंबई में बताया जा रहा है कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, मतलब और बारिश आएगी, संभावना ज़्यादा है। तो अभी मैं सुशांत के पास कार लेके जाऊँगा, वहाँ से मैं पैनियर्स कलेक्ट करूँगा। उसके बाद स्टिकर वाले के पास जो जाना था वो काम आज कैंसिल होगा, वो काम शायद से हम लोग 1-2 दिन के बाद देखेंगे। आप में से कितने लोगों के साथ ये चीज़ होती है, जब आप अपने बाइक के लिए कुछ नई चीज़ करते हो तो अंदर से रहा नहीं जाता कब वो बाइक पर सेट हो जाए और उसके साथ हम बाइक देखें। इसका ये सही है, अगर मैं विदाउट टॉप बॉक्स इसको कवर के अंदर रखता हूँ तो ये आराम से बैठ जाती है, लेकिन हर रोज़ टॉप बॉक्स निकालना बिठाना ये ठीक नहीं है। तो मैं टॉप बॉक्स के साथ ही बाइक को पार्क करता हूँ। तो अभी मेरे दिमाग में ये चालू है कि मैं ऐसा कुछ कवर ढूंढूं कि जिसमें टॉप बॉक्स का ऑप्शन भी आता है, और वैसे कवर मैंने ऑनलाइन पहले ही देखे। लेकिन पंगा ये है कि जितने भी ऑनलाइन कवर मिलते हैं वो सारे कवर का जो मटेरियल होता है वो मुझे पसंद नहीं है, वो बाइक पे स्क्रैचेस भी लाता है और वो निकालना बिठाना इजी नहीं होता। बेटर है मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा क्लोथ वाला। अगर ये क्लोथ वाला जो कपड़े, ये देखो आप, ये आपको समझ में आएगा शायद से थोड़ा बहुत, ये क्लोथ है। तो अगर आपके पास क्लोथ वाला कवर रहेगा तो क्लोथ वाले कवर के बेनिफिट्स ये है कि ये आराम से गाड़ी पे बैठता है, निकल सकता है, इससे स्क्रैचेस नहीं आएंगे। आपको जस्ट ये ऊपर खींचना है, आराम से निकल भी जाएगा। ये देखो ये मटेरियल अलग है, ये निकालते समय दिक्कत भी होती है और स्क्रैचेस लाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यही मटेरियल में अगर मुझे टॉप बॉक्स वाला ऑप्शन के साथ कवर मिलता है वो मुझे शायद से कस्टम करके लेना पड़ेगा। मार्केट में ढूंढ रहा हूँ मैं ऐसा कोई बंदा रहेगा कि जो कपड़े का मतलब क्लोथ का कवर बना के देता है। अगर आप में से किसी के कांटेक्ट में ऐसा बंदा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो। और जो इंस्टाग्राम का यहाँ पे हैंडल दिख रहा है उस हैंडल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कुछ ज़्यादा ही कम है, करना चाहिए आपको फॉलो वहाँ पे। डीजल है ना? पेट्रोल है। डीजल नहीं है? अभी देखो हर बार पेट्रोल डीजल का प्राइस बोल के आपको बोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हाँ आजकल जो एक्सपेंस है, लास्ट मंथ का मेरा पेट्रोल और डीजल का एक्सपेंस है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि मैं सोच रहा हूँ कि सिटी के लिए कम से कम कार नहीं तो एक छोटी स्कूटर लूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर। लेकिन तब तक नहीं ले पाऊँगा जब तक ये इलेक्ट्रिक सेटअप ठीक से होता नहीं है। अभी जो पैनियर को हम लोग ने कलर किया है वो देखने से पहले आप लोग को लास्ट व्लॉग का एक क्लिप दिखा था, उसमें आपको समझ में आएगा जो पैनियर मुझे पहले मिले थे उसका कलर कैसा था, वो कैसे दिखते थे। यहाँ पे अपने नए पैनियर्स बन चुके हैं। ये टॉप बॉक्स में एक चीज़ है जो पहले अच्छी लगती थी लेकिन अभी बहुत अच्छी लग रही है, ये लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि आप इंडियन फ्लैग को लगा नहीं सकते बाहर, मतलब लगा के बाहर घूम नहीं सकते। मैंने हेलमेट पे भी लगाया था लेकिन हेलमेट पे मैंने ट्रायो कलर मारा था, तो बीच का जो अशोक चक्र है वो अशोक चक्र मैंने उस पर लगाया नहीं था। तो इसके बारे में मैं शायद से वैसे ही करूँगा। यहाँ पर मैं बीच में वाइट कलर का कुछ रेडियम लगाऊँ तो ये अशोक चक्र नहीं रहेगा, तो उसके बाद ये ट्रायो का ही काम करेगा। रखना तो मुझे फ्लैग ही है लेकिन शायद से वो नहीं रख सकते, मुझे इतना रूल्स के बारे में कुछ डिटेल पता नहीं, इधर उधर की बातें सुन के मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
अच्छा बाय बाय वाला शॉट लेने दे एकदम मस्त एंगल ठीक है हाँ बाय बाय वाला बाय बाय मेरे राइट हैंड साइड पे ट्रैफिक दिखना ये ट्रैफिक क्रॉस करके मैं अभी आया हूँ लकी हूँ कि मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ अगर मुझे ब्रिज पकड़ के आगे जाना होता तो मेरी बैंड बजती इसे कहते हैं तो ट्रैफिक इतनी जद्दोजहद करने के बाद हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं अभी मैंने पैनियर्स लगा दिए गाड़ी पे अभी जो लुक आएगा ना वो लुक 50% ही रहेगा बिकॉज अभी जो मैं पैनियर लगा रहा हूँ वो वाइट कलर पे लगेगा अपनी टाइगर अभी वाइट है तो जब वो रैप होके आएगी ये सब मैं आगे का सोच के कर रहा हूँ रैप होके जब आएगी तो वो ब्लैक पैनियर्स और ज़्यादा उठ के दिखेंगे एक चीज़ मैंने नोटिस की है जितना मैंने सोचा था ये पैनियर्स का कलर चेंज करने के बाद ही जितना उठ के आएगा उससे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेन चीज़ है काम फिनिशिंग इतनी प्यारी हुई है ऐसे लग रहा है ना ये ओरिजिनली ब्लैक कलर में ही आए थे अभी ये जो कलर है इस पर ये मैट ब्लैक है मैं पहले दिमाग में आया था मेरे कि इसको मैं ग्लॉस करूँ लेकिन अभी के लिए मैंने इसे मैट रखा है बिकॉज इस पर जो स्टिकर्स आने वाले हैं उसके लिए मुझे यही बैकग्राउंड चाहिए था इतने सारे स्टिकर्स डालूंगा तो ये कलर का इतना कुछ ये नहीं रहेगा लेकिन इस पर जब स्टिकर्स लगेंगे तो ये ब्लैक थोड़ा और उठ के आएगा अभी तक जितना व्लॉग आपने देखा है वो पहले शूट हुआ था थोड़े दिनों के गैप के बाद ये व्लॉग शूट कर रहा है ऐसे कभी होता नहीं है लेकिन बता रहा हूँ बिकॉज दोनों व्लॉग अलग अलग है लेकिन हम लोग पोस्ट एक साथ ही करेंगे बीच में मैं दादर गया था तो मैंने ये सारी कारागिरी की है अपना यूट्यूब का नाम डाल दिया उसके ऊपर ये नीचे आप देख रहे हो ये है अपना इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे इंडियन फ्लैग था तो फ्लैग मैंने वैसे ही रखा है ये मेटल का है फ्लैग मैंने वैसे ही रखा है सिर्फ यहाँ पे जो चक्र था वो चक्र मैंने मिटा दिया है टॉप बॉक्स में भी अच्छी खासी जगह है हेलमेट तो आराम से बैठ जाता है ये टॉप बॉक्स थोड़ा बड़ा है कितने लीटर का है अभी ये तो पता नहीं यहाँ पर किधर लिखा है नहीं ये तो पता नहीं लेकिन सामान अच्छा खासा हो जाता है एक चीज़ मुझे अभी चेंज करनी है जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी ऐसे लगता है कोई बीमार गाड़ी है एक्टिवा का हॉर्न इससे अच्छा है जितने भी लोगों से मैंने पूछा है सब लोग बोलते हैं कि ट्रायम्फ का जो ओरिजिनल हॉर्न है जो कंपनी फिटेड आता है वो हॉर्न थोड़ा कम ही है तो हमें अभी इस पर लगाना है बॉश का हॉर्न से पहले भी बहुत सारी वीडियो में मैंने बोला है ये जो रोड है ये मेरा सबसे फेवरेट रोड है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आगे घमासान बारिश हो रही है और ये हमेशा का है जैसे घर से बाहर निकलते हैं हम लोग बारिश हमें पकड़ लेती है और हम लोग ऐसी जगह पे रुके हैं जहाँ पे ऊपर छत्ता भी नहीं है यही कारण था मैं आज ये काम करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलने वाला था लेकिन सोचा कि चलो घर बैठे हैं ज़्यादा कुछ काम नहीं है तो ये काम तो ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि जब भी कोई सामने आता और मैं ये हॉर्न बजाता हूँ बहुत बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है और एक चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी बहुत लोग बोल रहे हैं कि टाइगर का कलर चेंज मत करो एक मिनट यार ये बारिश वैसे भी हमें कुछ व्लॉग बनाने नहीं देती हाँ यहाँ पे ठीक है तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि टाइगर का कलर चेंज मत करो देखने जाए तो वाइट कलर भी बहुत प्यारा लगता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें और कुछ चेंजेस करूं तो ये और अच्छा लगेगा लेकिन आप सभी की बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये प्लान थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं एक मिनट इसे क्लीन करता हूँ नहीं तो आपको सामने का कुछ भी नज़र नहीं आएगा हाँ तो आप ये आप लोगों की बातें मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपना प्लान थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं थोड़े दिनों के बाद करेंगे वाइट कलर का मज़ा थोड़े दिन लेंगे उसके बाद हम लोग इसे थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करेंगे हम लोग इसके साथ लगा था ये बारिश दो मिनट में रुक जाएगी हालत देखो और ऊपर देख के ऐसा नहीं लग रहा ये बारिश रुकने वाली है